जो युवा अपनी बौद्धिक क्षमता को, अपने इंटेलेक्ट को ससीम से असीम करना चाहता है, अपनी धारक क्षमता को विकसित करना चाहता है, उसके लिए गायत्री ही एक मार्ग है। एंड गायत्री डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। गायत्री इज प्योर साइंस। इसे कोई धर्म, किसी भाषा में भी इस अनुभव को प्राप्त किया जा सकता है। संस्कृत में इसका उदय हुआ। संस्कृत तक ये सीमित नहीं है। जिसे संस्कृत नहीं भी आती, जो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं भी कर सकता, वो इसके पूरे के पूरे भाव का आद्योपांत लाभ ले सकता है। ही मे बी लिविंग विद कंगारूज और मे बी लिविंग विद पिग्मीज, डज नॉट मैटर। वॉट मैटर्स इज हाउ फार आर यू एबल टू ट्रिगर योर इमोशन टूवर्ड्स द हाइएस्ट इंटेलेक्ट। बात सारी वही है कि आपको घोड़ा दबाना आना चाहिए, गोली वरना चलती नहीं है। और गायत्री में भावनाओं के द्वारा ईश्वर की दिव्यता को प्राप्त करने का ट्रिगर दबाया जाता है। इससे कम में साधना होती नहीं है। इससे कम में तो कर्मकांड निपट सकता है। इससे कम में रूटीन निपट सकता है, लाइक ब्रशिंग योर टीथ, हैविंग योर बाथ, हैविंग योर ब्रेकफास्ट। लेकिन प्रार्थना इससे कम में सधने वाली नहीं। प्रार्थना तब तक नहीं सधती है अनलेस यू प्रेस द ट्रिगर ऑफ योर इमोटिव सीट। जब तक मनुष्य भावना और संवेदना के स्तर पर आद्योपांत उस स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, गायत्री कार्य करना शुरू नहीं करती है। तो गायत्री में भाव स्तर पर जो प्रार्थना है, उसमें ईश्वर को हम प्रकाश रूप में आमंत्रित करते हैं और पूरी तरह उसमें ओतप्रोत हो जाते हैं। जब साधक साधना में आगे बढ़ता है तो उसको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ लाइट और लाइट और लाइट। अगर मान लीजिए सूर्य अपनी गर्मी त्याग करके पृथ्वी पर आपके पास आ जाए और आप सूर्य के मध्यस्थ खड़े हो जाएं, तो आपको क्या दिखेगा? आपको स्वयं भी प्रकाश में ही प्रतीत होगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ लाइट, यू आर इन द फ्लड ऑफ लाइट। और गायत्री की प्रार्थना में भी मनुष्य प्रकाश में ओतप्रोत हो जाता है, नृत्य करने लगता है। नृत्य अर्थात वो नाचने वाला नृत्य नहीं, अर्थात उसकी चेतना उसमें रम जाती है, इमर्स हो जाती है, डूब जाती है, प्रकाश हो जाता है जीव। तब होता क्या है? नाउ द यंग माइंड हैज टू बी मेड टू अंडरस्टैंड कि जब ये होता है तो क्या ये सिर्फ एक प्रकार का एस्टेसी है? इज इट समथिंग लाइक विच पीपल ऑल्सो कैन अंडरगो बाय हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एन इनटेक ऑफ अ पार्टी ड्रग? बहुत से लोग आजकल पार्टी ड्रग्स लेते हैं, पार्टी में जाने से पहले गोली अंदर करते हैं ताकि उनकी जो मनस्थिति है उसका विशिष्ट निर्माण हो सके। क्यों? ताकि उस परिस्थिति को वो अच्छी तरह भोग सकें। इसलिए परिस्थिति को भोगने से पहले मनस्थिति का निर्माण करने के लिए गोली अंदर लेते हैं, जिसे कहते हैं पार्टी ड्रग। दैट इज स्पैंड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। लेकिन गायत्री में जब मनुष्य होकर के निकलता है तो वो नशा जीवन को बदलता है, जीवन में साथ साथ चलता है, जब तक साधना चलती रहे। ऑफकोर्स दैट इज अ प्री कंडीशन। साधना छूटी, अवस्था छूटी। होता क्या है? होता यह है, इसके लिए थोड़ी सी व्याख्या आगे चलते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिसे कहा गया क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने प्रकृति से बहुत कुछ कराना आरंभ कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह रही कि जिस प्रकृति से वो इतना कुछ करवाते हैं उसे देख नहीं पा रहे, उस ईश्वर की क्षमता के उनको दर्शन नहीं हो रहे। इसलिए उसका नाम दिया क्वांटम, दैट इज पॉसिबिलिटी, अर्थात संभव है, देख नहीं पा रहे हम लोग। वैज्ञानिकों ने यह भी सोचना शुरू किया कि सारे की सारी शक्तियां आती कहां से हैं? ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसमें हीट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, उसके बाद वो शक्ति है द स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियस इन द एटम, द वीक इंटरैक्टिव फोर्स That is there for all kind of radioactive decay. ये सारी की सारी शक्तियां दिखती नहीं लेकिन कार्य करती हैं। विज्ञान के आज इस स्थिति में कहा गया है कि आधुनिक विज्ञान के 30% उत्पादन जिनका हम प्रतिदिन भोग भी करते हैं, they are somewhat related with quantum sciences, where even the scientists are not able to see how it is happening, but it is happening. इसलिए उन्होंने थ्योरी के आधार पर जब संभावनाएं शुरू हो गई, देखा नहीं देखा काम होना शुरू हो गया।
इसी को कहा गया क्वांटम फिजिक्स। तो वैज्ञानिकों ने यह प्रश्न खड़ा करना शुरू किया कि क्वांटम फिजिक्स जहां संभव हो रही है, यह सब मामला आता कहां से है। उसे उन्होंने नाम दिया क्वांटम फील्ड। वैज्ञानिकों ने नाम दिया क्वांटम फील्ड, अर्थात ये सारी की सारी शक्तियां, वो ईश्वर की ना भी माने, प्रकृति की माने, ये सारी की सारी शक्तियां जहां से आती हैं और काम करती हैं, उस क्षेत्र का नाम है क्वांटम फील्ड, वहीं से सब कुछ होता है। धीरे धीरे उनको इस पर विश्वास क्यों करना पड़ा, काहे को करना पड़ा, इसलिए कि वैज्ञानिक, हालांकि इसे मैं पहले भी अपने उद्बोधन में कह चुका हूं कई बार, कि वैज्ञानिकों ने जब पदार्थ को तोड़ा तो अंततगत्वा एटम तक पहुंचे, एटम से आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक पहुंचे, जहां बोसोंस, लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, और जब उनसे आगे जाने की कोशिश की तो तरंग बची, वाइब्रेशन, नथिंग मोर देन अ वाइब्रेशन। जब वो तरंग मिली कि तरंग, अच्छा इस तरंग से माइक्रोफोन बनता है, इस तरंग से मेरा शरीर बनता है, इस तरंग से ये पत्थर जो बिछा ये बनता है, तो वैज्ञानिकों को मानना पड़ा और उन्होंने कह दिया दिस एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ए थिंकिंग नॉन स्टफ।